3ds Max एंड सिनेमा 4D ये दोनों 3D वर्ल्ड के आज के इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज करने वाले सॉफ्टवेयर है जो आज के आर्टिस्ट एंड स्टूडियोज यूज कर रहे हैं एंड कोई ना कोई प्रोजेक्ट में 3ds Max एंड सिनेमा 4D का उपयोग हो रहा है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल TriOsvaNe पे। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि ये दो सॉफ्टवेयर्स का अपना अपना इंडस्ट्री है एंड दोनों ही अपने अपने फील्ड में बेस्ट सॉफ्टवेयर है। पहले हम VFX इंडस्ट्री की बात करते हैं। VFX इंडस्ट्री में 3ds Max ज़्यादातर यूज किया जाता है क्योंकि यहाँ पे किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए कई सारे पाइपलाइंस की मदद से काम किया जाता है और यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स पर भी आराम से काम किया जाता है एंड 3ds Max में थर्ड पार्टी प्लगइन्स के सहायता से कई सारे इफेक्ट्स भी बना सकते हैं, जैसे कि थिंकिंग पार्टिकल्स, फ्यूम इफेक्ट्स एंड फिनिक्स FD। और ये प्लगइन्स सबसे बेस्ट एंड बेहतरीन है फायर, स्मोक एंड वाटर और डिस्ट्रक्शन इफेक्ट्स के लिए। लेकिन तभी भी कई सारे स्टूडियोज एंड आर्टिस्ट खुद के प्लगइन्स या कहो करके इस सिमुलेशन को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर ऐसे कई सारे बड़े स्टूडियोज हैं जो अपने पाइपलाइन में 3ds Max को यूज कर रहे हैं, जिसमें कई सारे VFX मूवीज भी बनाए गए हैं, जैसे कि अवतार जो 2012 में बनाई गई थी, X-Men मूवी। 3ds Max को VFX के साथ साथ आर्किटेक्चर एंड गेमिंग स्टूडियोज में भी यूज किया जाता है। तो अब हम सिनेमा 4D के बारे में कुछ बात करते हैं। सिनेमा 4D भी एक 3D सॉफ्टवेयर है जैसे 3ds Max है, परंतु सिनेमा 4D कुछ जगह पर खास यूज किए जाते हैं, जिसमें 3ds Max उन 3D डिजाइन को क्रिएट करने में टाइम लेगा, वहीं पर सिनेमा 4D में वो 3D डिजाइन जल्दी क्रिएट होंगे। तो सिनेमा 4D खासतर VFX आर्टिस्ट को पसंद है जो मोशन ट्रैफिक यूज करते हैं, जिसमें आर्टिस्ट को मोशन ट्रैकिंग करने में आसानी होगी क्योंकि सिनेमा 4D में मोशन ट्रैकिंग एंड सॉल्विंग के अच्छे टूल्स प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें मोशन ट्रैकर भी एक इम्पोर्टेंट टूल है, जहाँ पर कई सारे चीज इजीली क्रिएट किए जाते हैं, जैसे कि एनिमेटिंग ज्योमेट्री एंड कैमरा क्रिएटिंग मटेरियल्स एंड लाइटिंग और 3D शॉट्स। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिनेमा 4D पर भी कई सारे फेमस मूवीज को क्रिएट किया गया है, जैसे कि स्पाइडरमैन 3, इंसेप्शन, ट्रॉन लेगेसी, पैसिफिक रिम। अगर आपने पैसिफिक रिम मूवी नहीं देखी है तो वो मूवी आप जरूर देखो, क्योंकि उस मूवी में जो मोशन ग्राफिक्स का यूज किया गया है वो सिनेमा 4D में क्रिएट किया गया है। आप उस मूवी को देखकर मुझे कमेंट करो कि आपको उस ग्राफिक्स कैसे लगे मूवीज के। सिनेमा 4D स्मॉल एंड बिग स्टूडियोज में यूज किए जाते हैं। सिनेमा 4D आर्किटेक्चर फील्ड में भी यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों, अभी तक मैं आपको 3ds Max एंड सिनेमा 4D कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं उसके बारे में बताया। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 3ds Max एंड सिनेमा 4D VFX गेमिंग आर्किटेक्चर मोशन ग्राफिक्स इस जगहों पर यूज किया जाता है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि TV कमर्शियल्स में ये दो सॉफ्टवेयर कहाँ और कौन सी जगह पर यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए और इस चैनल TriOsvaNe को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो दोस्तों, सिनेमा 4D कई सारे कंपनीज के लिए मोशन ग्राफिक्स क्रिएट करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री, और 3ds Max भी कमर्शियल प्रोजेक्ट में यूज होता है, जैसे कि आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर्स एंड इंजीनियर्स इन्हें यूज करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3ds Max पर कई सारे गेम्स भी बनाए गए हैं, जैसे कि Assassin's Creed एंड 2000 ईयर से 3ds Max में कई सारे गेम्स क्रिएट किए हुए हैं, जैसे कि वॉरक्राफ्ट, टॉम पार्टर, हेलो गेम्स, जैस मैक्स, जहाँ पर 3ds Max में कई सारे 3D गेम्स एसेट्स को क्रिएट किए गए हैं और हाई क्वालिटी वीडियो गेम एसेट्स और एनवायरमेंट्स क्रिएट किए गए हैं और वीडियो सिनेमैटिक्स ट्रेलर्स भी 3ds Max में क्रिएट किए गए हैं।
और यहाँ पर कई सारे स्टूडियोज हैं जिसके पाइपलाइन में 3dsmax ही यूज किए जाते हैं। 3dsmax के साथ साथ माया में भी गेम्स को क्रिएट किया जाता है, जिसमें भी 3D एसेट्स को क्रिएट किया जाता है, और कई सारे इंडी गेम डेवलपर्स भी गेम्स को 3dsmax में क्रिएट करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको यह डाउट होगा कि सिनेमा 4D के बारे में मैं क्यों कुछ नहीं बोल रहा। तो दोस्तों, सिनेमा 4D की यहाँ पर लिमिटेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिनेमा 4D में एसेट्स क्रिएट नहीं कर सकते। सिनेमा 4D में भी बेहतरीन एसेट्स को क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन गेम इंडस्ट्री में 3dsmax में ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे प्लगइन्स के इस्तेमाल करके बेहतरीन तरीके से UVW एंड रैप रिगिंग, एनिमेशन, कैरेक्टर डिजाइनिंग और कई चीज़ों को किया जाता है, और वेरी फास्टली उन्हें क्रिएट किया जाता है, और जो रिजल्ट प्रोवाइड होता है वो भी बेहतरीन होता है। 3dsmax आर्किटेक्चर एंड आर्किटेक्ट फर्म में यूज किया जाता है, एंड मैकेनिकल और कार डिजाइन में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कार डिजाइन में यहाँ पर कैड का इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है। 3dsmax में V-Ray, Arnold, Redshift, Octane Renderer और Corona Renderer के सहायता से आप बेहतरीन रिजल्ट को क्रिएट कर सकते हो और बेहतरीन रेंडर्स आप यहाँ पे निकाल सकते हो, और सिनेमा 4D में भी आप प्लगइन्स को यूज करके यहाँ पे बेहतरीन रियलिस्टिक आर्किटेक्चरल डिजाइन्स को आप क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज के लिए इतना है। बी सेफ, बी हैप्पी। बाय बाय फ्रेंड्स।